नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उज्जैन सिंहस्त में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को हनुमान जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुए सिंहस्त कुंभ के पहले शाही स्नान के दिन लाखों श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी में पवित्र स्नान किया। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह 5 बजे से दत्तखड़ा क्षेत्र में शैव संप्रदाय के नागा साधुओं के एकत्रित होने का क्रम शुरू हो गया था। सबसे पहले नागा साधुओं ने क्षिप्रा में डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज ने परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चारण के साथ डुबकी लगाई। इस दौरान सिंहस्त के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी क्षिप्रा में डुबकी लगाई। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत धर्म ध्वजाएं और त्रिशूल लेकर घाटों पर पहुंचे। सभी घाट सिंहस्त के पहले दिन धार्मिक नारों से गूंजते रहे। अखाड़ों के स्नान के बाद आम जनता ने क्षिप्रा में पवित्र स्नान किया। सिंहस्त का आयोजन 21 मई तक चलेगा। दूसरा शाही स्नान अक्षय तृतीया के दिन 9 मई और तीसरा व अंतिम शाही स्नान 21 मई को प्रस्तावित है। 1 माह की अवधि में 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। विजय माल्या 2468 करोड़ और चुकाने को तैयार। गैर जमानती वारंट जारी होने और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कसे जा रहे शिकंजे से शराब कारोबारी विजय माल्या की घबराहट बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने बैंकों का पैसा लौटाने के अपने प्रस्ताव में 2468 करोड़ रुपए और जोड़े हैं। पहले माल्या ने कहा था कि वे बैंकों को 4400 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार हैं। जब बैंकों ने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो अब माल्या ने समझौते की रकम बढ़ाकर 6868 करोड़ रुपए कर दी है। माल्या पर बैंकों का कुल 9000 करोड़ रुपए बकाया है। ओमान में भारतीय नर्स की बेरहमी से हत्या। ओमान में भारतीय नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान केरल निवासी चिक्कू रॉबर्ट के तौर पर हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है कि ओमान में काम कर रही एक भारतीय नर्स की हत्या कर दी गई और उन्होंने मामले को लेकर वहां के भारतीय राजदूत से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। खबरों के अनुसार 25 वर्षीय चिक्कू डकैती की कोशिश को रोक रही थी, उसी दौरान उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अरुणाचल की तवांग में भूस्खलन, 14 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मूसलाधार बारिश होने की वजह से शुक्रवार को हुए भूस्खलन की चपेट में कामगारों का एक शिविर आ गया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मौके से 14 शवों और एक जख्मी व्यक्ति को निकाला गया है। 2 अन्य मजदूरों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। तृप्ति देसाई ने की त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा। लैंगिक समानता अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई शुक्रवार को त्र्यंबकेश्वर मंदिर गईं और वहां के प्रसिद्ध शिव मंदिर के पवित्र गर्भगृह में पूजा अर्चना की। त्र्यंबकेश्वर पुलिस थाना के प्रभारी HP खोले ने बताया कि देसाई ने अपने 3 सहयोगियों के साथ सुबह 6 बजे गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन किए और करीब 15 मिनट वहां रहीं। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर तृप्ति ने कहा कि अहमदनगर में शनि सिंगणापुर और अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश का उनका संघर्ष सफल हुआ है। ये सब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।